राधे गाइस, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी लड़का और लड़की में क्या डिफरेंस है किचन के अंदर। पहले आप ये किचन की हालात देख लीजिए एक बार। ये देखो भाई, इस बंदे ने सारी चीजें कैसे फैलाई हुई है, ए टू जेड सारा इसी का काम है। ये कोई चीजें कहीं से उठाई है, कोई चीज कहीं उठाई है, कहीं रखी नहीं है, ये वो भी इधर से उठाई है। टिफिन देखो कैसे खोल के छोड़ दिया है, और अभी यहाँ पे ये लाइट भी बंद नहीं करके गए हैं। और इधर ही अगर मैं होती तो किचन हमारी बहुत साफ रहती और इन लोगों के होने से किचन गंदी कितनी रहती है, बट ये नहीं है जिसने गंदी करी है। जो है वो अभी आएगा तब दिखाएंगे। मैं भाई तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, जवाब दो क्या कि किचन में तुम क्या भसड़ मचा के आई हो, क्या हो रहा है किचन के अंदर? ऐसा लग रहा है कि तुमने कुश्ती करी है। तुमने ऐसी क्या कुश्ती करी है कि पूरी किचन ऐसी फैली पड़ी है कि गैस से लेके और बर्तन तक समझ में नहीं आ रहा है किचन है कहाँ। इसे अपने गोरे का कर भाई, मैं तेरे से गोरी हूँ। और दूसरी बात, मेरी डाइट बन रही है, मैं तुम्हारी तरह उल्टी सीधी चीजें नहीं खाता हूँ। उल्टी सीधी चीजें नहीं खाता हूँ तो किचन में भाई कुश्ती करने की क्या जरूरत थी? मैंने दिखाया नहीं है इन लोगों को, तूने क्या बनाया है? मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं एंड 150 ग्राम पनीर है, जिसमें मेरे को आई थिंक 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। वेजिटेबल्स है जिससे फाइबर मिल जाएगा, और थोड़ा मसाला वसाला डाल दिया, अच्छा टेस्ट, मतलब एक स्नैक्स टाइप में बढ़िया मील हो जाएगी, जिससे 25-30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो इन्होंने अपना बनाया है अपनी प्रोटीन, क्योंकि मैं हाई प्रोटीन डाइट पे चल रहा हूँ गाइस। लग तो नहीं रहा, सुकट्टा सा तो लग रहा है। सुकट्टा हो रहा हूँ, जब भी तो लग रहा हूँ भाई, हाई प्रोटीन का सुकट्टा ही होता है। ठीक है, मैंने भी अभी छोड़ी हुई है, लेकिन मैं भी अपनी जिम स्टार्ट करने वाली हूँ 1 तारीख से, 1 अप्रैल से। छोड़ना नहीं चाहिए, जरूरी है। फिर से स्टार्ट कर दो। मिल गया तेरे को? नहीं मिला। और ये तू अब क्या कर रहा है? ये देखो क्या करने से लग रहा है भाई, ये पता नहीं किसका तो ब्रश उठा लाया करने वाले को, और उसमें पहले इसने कमी निकाली है। ये किसका ब्रश है इतना गंदा फलाना ढिका, क्योंकि इसको ये ब्रश लेना था अपना फोन साफ करने के लिए, और कर भी किससे रहा? ये देखो सैनिटाइजर से अपना फोन साफ करता है ये बंदा। मेरा फोन काफी दिनों से खराब था, अब मैंने सही करा है, तो चार्जिंग में दिक्कत आ रही है और आई थिंक स्पीकर में डस्ट वस्ट चली गई है। तो ये भाई साहब अपने आप ही वो बन रहे हैं, क्या इंजीनियर है? इसको यूज कर रहा हूँ मैं, रीयूज कर रहा हूँ। देखना ऐसे कोई ब्रूस होता है इसका अंदर से, पता नहीं ब्रूस के चित्र उड़ा रखे हैं, कौन करता है भाई? मुझे लग रहा है दांतों में पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। रोजर पापा तो हर दूसरे महीने में अपना ब्रश चेंज कर देते हैं। पापा ही लेते हैं, मैं कोई भी कर दूं पूरे आज साफ कर दूं। पापा तो हर दूसरे महीने में उनको नया ब्रश है यार, एक्चुअली अच्छा ही लग रहा, कोई बढ़िया सा लेके आया यार। ये किसी का होगा वैसी पड़ा हुआ। मेरे को जो ब्रूस अच्छा लगता है मैं ले लेता हूं, मेरे पास ही बहुत ब्रूस। काड़ी के पास 10 और कौन सा है? 7 7 है, मेरा 14 है। 14 है, 7 उस टाइम पे लिया गया था ना जब तुम पे एंड्रॉइड था। अंजलि है, चावल बना के। भैया मेरे चावल के पीछे पड़ गए, मैं चावल नहीं बना सकती भैया, नहीं, नो नेवर। मैंने कल बना दिए थे, कल मैंने अपनी सारी अंदर की जितनी एक हफ्ते की मेरे अंदर वो थी ना कुक बैठी हुई थी, सब डाल दियो ना उसके अंदर, तो एकदम मस्त बना था। अब मैं बनाऊंगी तो पता नहीं क्या बनेगा वो। अभी इसने डाइट बनाई तो आपने हाई प्रोटीन डाइट, मटर नुका दी, गोभी काट दी, आलू काट, मम्मी मम्मी करेंगी आलू काट के, मम्मी छोड़ दे ना, मुझे लगी हेलो गाइस पुलाव बनाने के लिए, और आपको दिखाएगी वो कैसे पुलाव बनाते हैं। नहीं 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 देखे हुए मैंने डाले हुए, ब्लॉग बन जाएगा थोड़ी बहुत देगा। नहीं 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 भाई, मैं आपको ना ये 21 दिन आने वाले, मैं आपको ऐसी यम्मी यम्मी हाई प्रोटीन, ये हाई प्रोटीन बकवास कर रहा था ना इधर, मैं बताऊंगी कैसी हाई प्रोटीन और यम्मी डाइट होती है। ना ना ना, मैं अच्छी बहन ना हूँ ना, खाना बनाने से अच्छी बहन ना साबित होती। सर देख रहे क्या कह रहा हूँ, मैं चावल बनाऊंगा तो मैंने कल बनाया तो मैं कल अच्छी बहन बन चुकी हूँ, ठीक है ना? तभी तो दोबारा बनवा रहे भैया ना, मैं किचन में इतने दिन एक दिन बना दी, बहुत है, मैं इतना ही काम कर सकूँ। कैसे होगा तुम किचन में तो होता ना, बैग ही टेंशन किस है? मम्मी कह रहे मम्मी है बुए बुए कब होगा कब जाऊंगा। हाँ तो दहेज में एक नौकर भेज दियो बस से, क्या करवा तो रहे नौकरी का जरूरत है मतलब समझ गया, क्या करवा रहे नौकरी की जरूरत है? नहीं दिमाग में भी चला नहीं मेरा, कह रहा क्या जा रहा है तू? पति को नौकर बना लियो, हो बेचारे किसकी किस्मत फूटेगी। ये तो सही है, किस्मत ही फूटेगी।
गाइस मछली को छपाक से पानी में डाल रहे थे, ये देखो इनकी हाई प्रोटीन डाइट, जली हुई हाई प्रोटीन डाइट पनीर है, टेंशन मत लीजिए, काले कलर का पनीर पहली बार देख रहे हो, हाई प्रोटीन डाइट। इसकी वीडियो के चक्कर में मेरा झपाक हो गया, झपाक कर रहा था पानी में, झपाक एक मछली दो मछली। मैंने भैया के लिए चावल छौंक दिए, बट उससे पहले मुझसे जितना हो सका मैंने किचन को साफ किया। ये तो आपकी आंटी जी करेंगी बर्तन वगैरह साफ, क्योंकि मैं गंदी किचन में काम नहीं कर सकती, तो मेरे से जितना हुआ मैंने करके फिर मैंने चावल छौंके। अब इसको मैं जरा ढक दूँ। इन लोगों को खाना है, मेरे को तो खाना नहीं है, इसलिए मैंने ऐसी बना दी। अगर मेरे को खाने होते तो मैं तो एकदम उससे बनाती, जैसे मुझे कल खाने थे तो मैंने एकदम मन से बनाए थे। तो चलिए मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।